हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जेंडर्स ऑफ नाउन। तो जेंडर ऑफ नाउन क्या होता है हम वो देखते हैं, फिर उसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो जैसा कि आपको मालूम होगा जेंडर क्या होता है, जेंडर आप पहले भी छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे। जेंडर दो टाइप के होते हैं, एक मस्कुलिन और एक फेमिनिन। ठीक है, एक एक वर्ड को समझिए। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, जेंडर क्या होता है, ठीक है, जेंडर दो तरीके के होते हैं, ठीक है, मस्कुलिन या फेमिनिन। और नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन याद करिए, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। और जब हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर देंगे जेंडर ऑफ नाउन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दो टाइप के हमारे नाउन निकल कर आएंगे, एक मस्कुलिन नाउन और एक फेमिनिन नाउन। ठीक है, ये जो हमने नाउन को क्लासिफिकेशन कराया किस बेसिस पर कराया, जेंडर के बेसिस पर। ठीक है, तो मस्कुलिन नाउन और एक फेमिनिन नाउन। ठीक है, तो मस्कुलिन नाउन क्या होता है, जैसे कि मैन होता है, बॉय होता है, मेल एनिमल होता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, मस्कुलिन नाउन। फेमिनिन नाउन क्या होता है, जैसे कि वुमेन, ठीक है, गर्ल और फीमेल एनिमल, ये सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, फेमिनिन नाउन में। चलिए अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आपके सामने इसकी एग्जाम्पल है, जेंडर नाउन दो टाइप के होते हैं, अभी हमने बात कर चुके हैं इस बारे में, एक मस्कुलिन और एक फेमिनिन। तो मस्कुलिन क्या है, एक्टर, तो फेमिनिन क्या होगा उसका, एक्ट्रेस। ठीक है, इसी तरीके से बैचलर, उसका बैचलरेट, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, गॉड, गॉडेस, नेफ्यू, नियस, पोइट, पोइटेस, विजार्ड, विच, वेटर, वेट्रेस, हीरो, हीरोइन, सर्वेंट, मेड। ठीक है, ये आप उम्मीद करता हूँ ये सब आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और मीनिंग भी देख लेते हैं साथ ही साथ में, ताकि इसको समझने में और आसानी हो जाए। तो देखिए, एक्टर का फेमिनिन क्या था, एक्ट्रेस। आप लोगों को मालूम ही होगा एक्टर एंड एक्ट्रेस बोथ आर परफॉर्मर होते हैं। ठीक है, ये लोग बैचलर किसे कहते हैं, ठीक है, अनमैरिड पीपल को, जिनकी शादी नहीं हुई होती हो। ठीक है, और उसका फेमिनिन क्या होता है, बैचलरेट। इसी तरीके से ब्राइड ग्रूम, ठीक है, इसका फेमिनिन क्या है, ब्राइड। ब्राइड ग्रूम का मीनिंग क्या है, पीपल हु आर गेटिंग मैरिड, वो लोग जिनकी शादी हो गई हो। ठीक है, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में दूल्हा भी कहते हैं। ठीक है, और ब्राइड फेमिनिन वर्ड है उसका, जैसे हम दुल्हन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गॉड का गॉडेस हो गया, नेफ्यू का नीस हो गया। ठीक है, ये सब आपको मीनिंग भी इसके नीचे मैंने दे रखी है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो सके। तो ये भी आसानी एग्जाम्पल हैं जो मैंने बता रखी हैं। विजर्ड, विच, विजर्ड वो लोग होते हैं जिनके पास जादुई ताकत होती है। ठीक है, और अगर वही फीमेल हो जिसके पास जादुई ताकत हो तो उसे हम विच कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा ऐसी, वेटर, वेटरेस है, हीरो, हीरोइन है, सर्वेंट, मेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ नीचे पॉइंट दिए, 9 पॉइंट। ठीक है, उनका मतलब क्या है, यहाँ लिखा है मैंने, ब्लू आर सम कॉमन जेंडर नाउन। ठीक है, द सेम टर्म यूज फॉर बोथ जेंडर, इसका मतलब ये हुआ, ये जो नीचे मैंने 9 पॉइंट दिए हैं, इसके अलावा और भी ऐसे जेंडर नाउन होते हैं जो दोनों के लिए कॉमन होते हैं या सेम होते हैं। ठीक है, मतलब बेबी एक ऐसा वर्ड है जो फेमिनिन भी होगा, मस्कुलिन भी होगा। ठीक है, ऐसी फ्रेंड, फ्रेंड भी मस्कुलिन होगा, फेमिनिन होगा। ठीक है, गेस्ट है, पैसेंजर है, रिलेटिव है, स्टूडेंट है, टीचर है, गार्जियन है, कजिन है। अगर मैं आपसे कहूँ बेबी, तो बेबी का मतलब होता है बच्चा। अब वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है फेमिनिन, मस्कुलिन एट अ टाइम दोनों हो सकते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे जेंडर ऑफ नाउन। तो ये 9 पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।